मुझे लगता है कि इस समय अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि फासिस्ट ताकतें किस तरीके से हमारे देश में तमाम जो मानवतावादी आवाजें हैं उनको कुचलने की कोशिश कर रही है। और चूंकि आरएसएस का पूरा उद्भव आप अगर देखेंगे या दक्षिणपंथी जितनी भी ताकतें हैं उनकी जो शुरुआत आप देखेंगे, तो वो उस वक्त में जो भी चेतना आ रही थी, आप अगर उसमें अनटचेबल्स में जो चेतना आ रही थी या आज जो बहुजन कहे जा रहे हैं उनमें जो चेतना आ रही थी, उन चेतनाओं के उभार को पलट देना ही उनका उद्देश्य रहा है। संघ का जो शुरुआती लक्ष्य भी रहा है या वो उसकी शुरुआत जो हुई वो प्रतिक्रिया में ही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था करके और लोग पढ़ने शुरू हो गए थे, धीरे धीरे जो ब्रिटिश राज था उसने भी अधिकार देने के तरफ जाने लग गई थी चीजें, तो मुझे लगता है कि जिस जिन ताकतों की शुरुआत ही बहुजनों के खिलाफ हुई हो, वो फिर जैसे जैसे ताकतवर होते गए और 95 साल का उनका जो सफर है और आज वो जिस तरीके से केंद्रीय सत्ता में बैठ गए हैं पिछले 6 सालों से, उसके बाद मुझे लगता है कि वो पूरी ताकत के साथ कुचलने में लगे हुए हैं बहुजन चेतना को, और उसके कई तौर तरीके हैं। मुझे लगता है कि पहला उनका जो तरीका था वो था कि कॉप्ट कर लो, खा जाओ उस पूरी चेतना को, और ये जो समरसता का पूरा जो ढोंग है ये पाखंड उसका एक निशानी और एक प्रतीक है कि किस तरीके से आप अन्याय भी करो, अत्याचार भी करो, समाज में शोषण भी जिंदा रहे, भेदभाव भी रहे और समरस भी रहे समाज, यानी कि आप यथास्थिति में अपने आप को रखो, कोई आवाज मत उठाओ, कोई अधिकार मत मांगो, ताकि समाज की समरसता को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, कथित जो भाईचारा है समाज का वो टूटे नहीं। अब ये जो सौहार्द और भाईचारा ये था कब और ये इसने किनको दबाया और किनको फायदा दिया उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते। आप ये नहीं पूछे कि ये सारे रिसोर्स के मालिक आप क्यों हैं, सारी बड़ी नौकरियों में आप क्यों बैठे हुए हैं, तमाम बड़े बंगले आपके पास क्यों हैं, सारी जमीन आपके पास क्यों है, तो आप अधिकार की बात न करो, केवल कर्तव्य करते रहो। और यही ज्ञान देने का काम दक्षिणपंथी ताकतों ने किया, बार बार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और निष्काम कर्म करते रहिए। अरे भाई हम ही काहे को निष्काम कर्म करते रहे, तुम नहीं निष्काम कर्म करोगे, तुम सारा तमाम फायदा लोगे, तुम सारा फल खा जाओगे और हम तुम्हारी सेवा करते रहे। पर चूंकि ये वो मनुस्मृति की उस सोच से आता है कि तीन वर्ण जो है वो अधिकार संपन्न होंगे, उनको अधिकार होंगे, किसी को पढ़ने का अधिकार होगा, किसी को राज करने का अधिकार होगा, किसी को व्यापार करने का अधिकार होगा, लेकिन चौथा जो वर्ण होगा शूद्र और स्त्रियां, उनको अधिकार नहीं होगा, उनके कर्तव्य होंगे। तो ये जो ड्यूटी और राइट्स की जो बहस है आजकल भी आप खूब सुनते होंगे, ये बेसिकली मनुस्मृति और उससे भी पहले मुझे लगता है कि जो वंचित लोग हैं, हारे हुए पराजित लोग हैं, उन तमाम लोगों के अधिकारों को छीन करके, उनको अधिकार विहीन बना करके, दास बना करके, गुलाम बना करके रखने की जो प्रक्रिया है ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, और उसे शायद स्वर्णिम अतीत का बार बार गुणगान दक्षिणपंथी ताकतें करती है। वो जो कहती है कि भारत कभी बहुत विश्व गुरु था, पता नहीं विश्व तक उसकी पहुंच भी थी कि नहीं थी, लेकिन वो जो बार बार उनके दावे हैं वो वही दावे हैं। जब ये आराम से बैठ करके कुछ लोगों की पूरी श्रम को ये खा जाते थे, उसको वो स्वर्णिम समय मानते हैं, वो उनके लिए सबसे बेहतरीन समय है। तो उसी स्वर्णिम अतीत को लौटा लाने के लिए ये संगठन बने और पुरानी बातें खोद खोद करके ला करके जो बातें करते रहते हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि एक मैं जो कहना चाह रहा हूं ये है कि इनका मूलतः जन्म ही बहुजन चेतना को पलट देने के लिए हुआ, उसको डिस्ट्रॉय देने के लिए हुआ। तो जब वो आए तो उसके बाद उनका काम वही चला। आप अगर पूरी दक्षिणपंथी ताकतों की यात्रा को देखेंगे तो इस यात्रा में आपको कहीं पे भी एक आंदोलन नजर नहीं आएगा जहां वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे हो, कि वो जाति को खत्म करने की बात के लिए कोई आंदोलन चलाया हो, या दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए कोई आंदोलन चलाया हो, या उनको भूमि मिले ऐसा कोई भूमि सुधार का आंदोलन, आप वो गाय के लिए, गोबर के लिए, गणेश के लिए, किसी के भी लिए आंदोलन चलाएंगे,
मंदिर के लिए आंदोलन चला लेंगे, लेकिन जो जीवित लोग हैं इस देश का, इतना बड़ा तबका जिसको 85% तबका कहा जाता है, उसके लिए कोई भी आंदोलन, उसको अधिकार संपन्न बनाने के लिए कोई आंदोलन आपको नजर नहीं आता है। और बार बार जब उनको कुछ मिलता है उस समय प्रतिक्रिया में कोई न कोई ऐसी चीज ला करके रख देते हैं। तो पिछड़ों को मंडल आया तब उन्होंने अपना कमंडल उठा लिया और मंदिर का मुद्दा ले आए और पूरी चेतना को एक तरीके से पलटने का काम किया। आज की तारीख में भी वो यही सारी चीज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो समरसता के जरिए और हमारे सारे प्रतीकों को एक तरीके से खा जाने की उनको पूरा अपने में समाहित कर लेने का जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी पूरे विरोध में थे, संविधान के विरोध में थे, पूरा तिरंगे झंडे के विरोध में थे, हिंदू कोड बिल के खिलाफ तो जबरदस्त आंदोलन इन लोगों ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि अंबेडकर अब केवल तस्वीर है, अब अंबेडकर जिंदा नहीं है, जीते जी उसका विरोध कर लिया और बाद में उसकी तस्वीर को अपने ऑफिसों में ले आए, उनको प्रातः स्मरण में शामिल कर लिया, राष्ट्र ऋषि की संज्ञा दे दी और किताबें लिखवा दी कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार बहुत अच्छे मित्र थे, वो बड़े आरएसएस के प्रशंसक थे। सारा झूठ, एकदम से झूठ को ला करके कर दिया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में जाकर के आज बहुजन बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां सारे संस्थानों को कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप को कम किया जा रहा है, आरक्षण को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, निजीकरण इतना बड़े पैमाने पे किया जा रहा है कि कुछ बचेगा ही नहीं आपका सार्वजनिक, तो बातें करना बहुजनों के हित की, दिखाना, ये केवल लिप सर्विस तक सीमित ताकतें कर रही है। और दूसरी तरफ उनको अधिकार विहीन करने का जितना वो कोशिश कर सकते हैं वो सारा कोशिश लगातार किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग पैदा किए गए हैं जो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, दलितों के, आदिवासी, पिछड़ों के भीतर में खड़े कर दिए गए। तो ये बहुजन चेतना को पलट देने का जो काम दक्षिणपंथी ताकतें कर रही है और जिस तरीके से फंसाने का जो काम किया जा रहा है, चाहे भीमा कोरेगांव के आप उदाहरण से देख सकते हैं, अभी जो एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ और दिल्ली में जो राइट्स हुए उसमें जो लोग बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है, जो भी अभिव्यक्ति की आजादी की अपने इस्तेमाल कर रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, उन तमाम लोगों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त को दक्षिणपंथी ताकतों ने एक मंदिर की नींव नहीं रखी, बल्कि हमारी धर्मनिरपेक्ष, जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है हमारे देश का, उसका अंतिम संस्कार किया उन्होंने और एक ऐसे रामराज्य के नाम पे, बार बार जो रामराज्य कहा गया उसके नाम पे हिंदू राष्ट्र की एक नींव रखने का काम किया गया। और उस हिंदू राष्ट्र में हम बहुजनों का स्थान क्या होगा, ये हमको अपने पुराने अतीत से देखना ही चाहिए कि कितना हमने झेला है और कितना आज झेल रहे हैं और कितना हमें भविष्य में झेलना है। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो हमारा बहुजन तबका है वो सामाजिक प्रतिष्ठा या गरिमा की जो चाहत है, क्योंकि बहुत सदियों से उनको जिस तरीके से नीचे गिराया गया, जिस तरीके से गाली दी गई, उनके नाम बिगाड़े गए, उनको जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया, सामाजिक बहिष्करण और हाशिए पर वो जो तबका रहा, उसको कहीं पे भी अगर मान सम्मान मिलता है, कोई जगह मिलती है, तो वहाँ वो सहजता से उस ट्रेप में आ जाते हैं, वो सम्मान की भूख की वजह से। और आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग, आप जो भी लोग वहां गए हैं, आप अगर उनसे निजी तौर पर पूछेंगे कि आप कैसे गए वहां पर, तो दो ही तरीके से लोग जाते हैं। एक, मेरी उम्र के जो लोग गए बचपन में, वो खेलकूद के लोभ में गए, क्योंकि गांव में सार्वजनिक पार्क में या सार्वजनिक जगह में शाखा लगती थी, वहां सब लोग खेलते थे पूरे गांव के, तो हमने भी खेलने जाना शुरू कर दिया। वो तो बहुत बाद में समझ में आया, 6 महीने बाद में, कि ये कोई शाखा है, नहीं तो केवल खेलकूद के लिए जा रहे थे। और उसके बाद तो फिर शाखा भी पता चल गई, फिर झंडा भी आ गया, डंडा भी आ गया, हाफ पेंट भी आ गया, टोपी भी आ गई, लेकिन वो बाद की बातें हैं। शुरुआती तौर पे केवल खेलना, एक्सरसाइज, गाना गाना, अच्छे से नाम के साथ जी लगा करके प्यार से बात करना, ये सब जो तरीका होता है। और चूंकि ज्यादातर आरएसएस की शाखाओं को स्थापित करने का जो काम है वो हमारी टीचर लॉबी करती है, शिक्षक समुदाय करता है, तो शिक्षकों का बालकों के साथ एक जुड़ाव रहता है, वो एक सम्मान का रिश्ता भी है, एक पढ़ाई का रिश्ता भी है, एक स्कूल का रिश्ता भी है।
वही शिक्षक गांव में आकर के आपके मोहल्ले में आकर के जब शाखा लगाना शुरू करते हैं और आपको सम्मान के साथ बात करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चे उधर चले जाते हैं। और चूंकि अभी इतनी बड़ी चेतना हमारे लोगों में नहीं रही है कि वो अपने बच्चों को रोक सके या उनके लिए कोई वैकल्पिक रूप से खेलकूद का या ऐसा कोई साधन खड़ा कर सके कि वो बच्चे वहां नहीं जाकर के और दूसरी जगह जाएं, तो वो उसका अभाव होने की वजह से लोग जाते हैं। और बड़ी उम्र में जो लोग इससे जुड़ते हैं, खासतौर पर बहुजन समाज के लोग, उसमें मुझे लगता है कि वो ज्यादातर सम्मान की भूख के साथ लोग जुड़ते हैं। और उसमें ज्यादातर लोगों को मैंने ये देखा, वो पढ़े लिखे लोग, नौकरी पैसा लोग और ठीक ठाक आर्थिक स्थिति वाले लोग। तो ये वो लोग हैं जो पढ़ लिख करके किसी नौकरी में चले जाते हैं और अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी बस्ती से निकल करके दूसरी बस्ती में जाकर के बसते हैं और वो अपनी ही बस्ती को हिकारत से देखने लगते हैं, उसको मलिन बस्ती बोलते हैं, सेवा बस्ती कहते हैं उसको। ये लोग बाकी समाज के साथ घुलने मिलने के लिए जो सवर्ण समुदाय है उसमें अपनी प्रतिष्ठा खोजने के लिए ये जो सामाजिकीकरण का जो प्रोसेस है उसमें घुस करके ये वैसे हो जाते हैं। वो टीका लगाते हैं, कुछ लोग तो हवन करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं, साकार को अपना लेते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो हम एकदम शुद्ध पवित्र हिंदू बन गए हैं। हालांकि उनकी कोई स्वीकारता नहीं है, वो जो कुछ भी बाहर से ढोंग अपना लेप कर रहे हैं उनको मालूम है कि इस लेप के नीचे जो है वो दलित, पिछड़ा, बहुजन, वही आदिवासी है, तो उसको कोई बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि अपने समाज से वो थोड़ा ऊपर उठ गया है। तो ये जो एक भूख है उससे भी लोग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक कारणों से जाते हैं, वो उनको कोई काउंसलर का टिकट चाहिए, पार्षद बनना है, सरपंच बनना है, प्रधान बनना है, एमएलए का टिकट लेना है बीजेपी से, वो आरएसएस की शाखाओं के जरिए वो उनके लिए प्रवेश द्वार है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष शिक्षित हो जाते हैं, फिर वो अपना रिज्यूम में लिखते हैं कि भाई हम संघ से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, हमारा टिकट पाने का पहला एक वो है। दूसरा जो सरकारी कर्मचारी है वो प्राथमिक शिक्षक से लगा करके जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर और प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो अपनी जगह को बनाए रखने के लिए एबीवीपी टाइप के संगठनों के जरिए वहां जाकर के अपने लिए जगह खोज लेते हैं और वो अपने ही समाज को गाली देते रहते हैं वहां पर, और पूरी तरीके से एक टूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये दो तीन तरीके हैं, प्रोसेस हैं जिसके जरिए वो वहां पर जाते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या लीडरशिप में ये लोग हैं, मैंने अपनी किताब में भी ये सवाल उठाया और मैं निरंतर ये सवाल उठाते रहता हूं कि ये लोग केवल वहां पर जाजम बिछाने वाले लोग, दंगे करने के लिए, पथ संचलन निकालने के लिए, टोपी पेंट पहन करके और डंडा हाथ में लेकर के अपनी ताकत को दिखाने वाले एक हरावल दस्ते के रूप में काम में करते हैं। आपको संघ के 95 साल के इतिहास में उनकी तमाम अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभाओं की आप सूची निकाल लीजिए, उनके 6 अब तक, अब जो छठे मोहन भागवत उनके जो सरसंघ चालक हैं, उन तक 5 ब्राह्मण हुए हैं और एक रज्जू भैया अपवाद स्वरूप राजपूत हुए हैं, बाकी कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी नहीं बना है आज दिन तक। तो अखिल भारतीय सरसंघ चालक तो नहीं है, सर कार्यवाह भी नहीं है, कोई अखिल भारतीय प्रवक्ता भी नहीं बनेगा, लेकिन अखिल भारतीय कार्य समिति में भी कोई दलित पिछड़ा नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जिस तरह के संघ के प्रचारक का पूरा वो जो निकालना पड़ता है, जितना एक यात्रा करनी पड़ती है, वो अभी तक किसी दलित आदिवासी ने तो नहीं की है। हो सकता है कि कुछ डोमिनेंट जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें से उन लोगों ने निकाला हो जानबूझ योजनाबद्ध तरीके से और वहां पहुंचाया हो, लेकिन अभी भी लीडरशिप में जहां डिसीजन मेकिंग होता है, जहां नीति निर्माण होता है, वहां कोई बहुजन है नहीं उस स्थिति में। और भविष्य में भी 25-30 साल तो वहां तक कोई नहीं पहुंचना है, मुझे लगता है 50 साल तक तो आरएसएस का कोई भी जो होना चाहिए कोई सरसंघ चालक बहुजनों में से बनेगा मुझे नहीं लगता है। आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा और इस पर खूब सारे दस्तावेज आ गए हैं। अब जबरदस्ती के वो राष्ट्रभक्त बनने के लिए कहीं से भी कुछ भी लिखवा रहे हैं, नए किस्म का इतिहास, उनके तो पूरा इतिहास पुनर्लेखन समिति बनी हुई है और ला के विद्वानों को
अपने ही वहां विद्वान पैदा करते हैं वो, और उन विद्वानों से अपने तरीके की चीजें लिखवाते हैं, तो वो बिना संदर्भ के बिना कुछ भी लिख सकते हैं वो, और वो अपने आप को क्रांतिकारी स्थापित करने में कोई कमी नहीं करते हैं। जैसे वो डॉक्टर हेडगेवार जो उनके संस्थापक हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो बम बनाना, उस समय गरम दल के लोगों के साथ वो बम बनाना और सारा काम कर रहे थे, और वो जेल वगैरह में रह के आए। तो अब क्या कीजिएगा, ऐसा इतिहास जो अब आप पलट दो, और इतिहास पलटने के तो हालात ये हैं कि उन्होंने 600-700 साल बाद हल्दीघाटी के युद्ध को, जो निर्णय हो ही नहीं पाया, एक अनिर्णित युद्ध को उन्होंने निर्णय कर दिया कि भाई वो जीत गए अकबर से महाराणा प्रताप। अभी कैलाश जी कह रहे थे कि अकबर तो आया ही नहीं बेचारा, लड़ ही यही रहे थे, मानसिंह लाए सेना और ये लोग लड़ रहे थे। बात ये है कि अब चूंकि उनके हाथ में सत्ता है तो वो अपने तरीके से इतिहास को बना रहे हैं, और ये सदैव ही होता रहा है। देखिए, पराजितों का कोई इतिहास नहीं होता है, मजदूरों का कोई इतिहास नहीं है, जो लोग हार गए उनका कोई इतिहास नहीं है, दलित पिछड़ों का कोई इतिहास नहीं है, इतिहास में उनका योगदान भी जो है वो नजर नहीं आता है। अगर कहीं है तो एक आध लाइन ढूंढनी पड़ती है आपको माइक्रोस्कोप लेकर के। तो किस तरह की स्थितियां इन्होंने पैदा कर रखी है। लेकिन अब चूंकि वो तो राष्ट्रीय हैं अपने नाम के साथ ही, और उनका जो राष्ट्र है उसमें केवल सवर्ण शामिल है, बाकी तमाम लोग भी शामिल नहीं है, बाकी जो लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय के वो तो है ही नहीं शामिल, फिर भी वो अपने आप को राष्ट्रीय होने का दावा करते हैं, और वो हर चीज में अपनी भूमिका को कहते हैं कि वो हर चीज में उनकी भूमिका रही है। आज संविधान को भी सबसे पहले वही चूमते हैं, जाकर के माथा टेकते हैं, जैसे संविधान इनके जो विचारधारा के पूर्वज थे उन्होंने लिखवाया हो, जबकि संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि ये कहां खड़े थे। ये तो महारानी विक्टोरिया के लिए परेड पथ संचलन निकालने वाले लोग हैं, लेकिन अब सारी चीजों में उनका जो दावा है वो ये है कि संविधान निर्माण में भी उनकी भूमिका रही है। जबकि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाद में जनसंघ बनाया और स्वतंत्र पार्टी वगैरह बनाई, वो राजे रजवाड़े जब संविधान सभा में थे तो सारे प्रगतिशील कानूनों के अधिनियमों के खिलाफ बात कर रहे थे। आप संविधान सभा की पूरी बहस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह की चीजें वहां पर चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, चूंकि अब वो सत्ता में है तो अपने तरीके से सब चीजों को इंटरप्रेटेड करेंगे और अप्रोप्रिएट भी करेंगे, लेकिन उनका कोई योगदान उस रूप में न तो आजादी के आंदोलन में है, और न ही जो एक देश बना और जिसको बार बार ये कहते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, वो 70 साल में जो देश बना, आज जो आप रात दिन बेच रहे हैं, सुबह उठ करके रोज बेच देते हैं एक PSUs को, ये देश तो बना ना, किसी ने तो बनाया होगा, तभी तो जाकर के ये नवरत्न कंपनियां बनी, आज रेलवे बेच रहे हो कल एविएशन बेच रहे हो, ये किसी ने तो बनाया होगा, किसी का तो खून पसीना लगा होगा, किसी का तो आइडिया ऑफ इंडिया होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज हुई है। तो ये जो कुछ भी बना उसमें इनका कोई योगदान नहीं है, पर चूंकि ये बेचने वाले ही लोग हैं, पहले से भी यही कर रहे थे, पहले वंदे मातरम का नारा लगा करके, भारत माता की जय बोल करके मिलावट करने के काम में मार्केट में यही लोग थे, तो ये पहले छोटे छोटा बेच रहे थे, अपना दुकान पे बेच रहे थे, अब चूंकि देश में काबिज हो गए हैं तो पूरा देश बेच रहे हैं, तो ये इस तरह के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, सारा देश का पूरा जो चीज है उसको जिस ढंग से ये बर्बाद करते जा रहे हैं, वो केवल इतिहास ही नहीं है बल्कि सामाजिक जो ढांचा है आपका उसको भी, और बस चलेगा तो मुझे लगता है कि संविधान बदल देंगे एक दिन, और सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द तो बदलने के लिए उन्होंने याचिका लगवाई दी है, ये सारी याचिकाएं लगवाने का काम उन्हीं के चेले चपाटियों से करते रहते हैं ये, और दूर खड़े रहते हैं, फिर उसके जरिए जो पूरी न्यायपालिका को जिस तरीके से उन्होंने आज कर लिया है वो अपने फेवर के फैसले देकर के उनको जनता के बीच में ले जाते हैं। जैसे इन पर जो प्रतिबंध लगे उसको लेकर के भी एक किताब छाप दी उन्होंने, क्या कहता है उच्चतम न्यायालय संघ के बारे में, तो जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने इनको क्लीन चिट दे दी इनके सारी कुकर्मों के लिए, तो ये सब इनका एक तरीका है जिससे ये करते रहते हैं।
ये सवाल आप दोनों से है। मैं चाहूंगा कि पहले भंवर भाई जवाब दें, फिर कैलाश मीणा जी जवाब दें। कई सारे लोगों ने सवाल पूछा, उसको जोड़ के मैं दे ले रहा। दो सवाल है, एक साथ कर देता हूँ। वर्ण व जाति के प्रति आरएसएस का कैसा नजरिया है, छुआछूत के प्रति क्या रवैया है आरएसएस का के अंदर, और तीसरे, मैंने पहले सवाल पूछा था, शायद उसका जवाब नहीं आ पाया, इसलिए सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, कि जो बहुजन समाज है गैर धर्मों के खिलाफ लड़ने के लिए या हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए आरएसएस किस तरह से बहुजनों का इस्तेमाल करता है, भंवर भाई? देखिए, वर्ण व्यवस्था के तो वो खुले समर्थक हैं। जाति को जो द्वितीय सरसंघचालक थे, सेकंड सुप्रीमो ऑफ आरएसएस, एमएस गोलवलकर, उनका जो प्रसिद्ध किताब है द बंच ऑफ थॉट्स, विचार नवनीत के नाम से हिंदी में मिलता है, उसमें साफ तौर पे वो कहते हैं कि जाति भारत का वैशिष्ट्य है, मतलब विशिष्टता है भारतीय समाज की। और उनका ये मानना था कि जाति होने की वजह, वर्ण होने की वजह से भारत में धर्मांतरण उस तादाद में नहीं हुआ जिस तादाद में कई देशों में हुआ। तो वो अपनी जाति पर गर्व करते हैं, जाति को विशिष्टता मानते हैं, खुद भी संतान हैं और मनुस्मृति एक विशिष्ट ग्रंथ भी मानते हैं। और उनका तो यहां तक कहना है कि संविधान की कोई जरूरत ही नहीं थी, हमारे पास मनुस्मृति जैसा महान ग्रंथ मौजूद था जिसके आधार पर सब कुछ हो सकता था। तो वर्ण व्यवस्था के वो पूरे समर्थक हैं, जाति के पूरे समर्थक हैं। इसको खत्म करने की दिशा कोई काम आज दिन तक नहीं हुआ, वो अपने आप में एक साबित करता है। तो प्रैक्टिस में भी और प्रिंसिपल में भी, सिद्धांत और आचरण दोनों में वो पूर्णतः जातिवादी और वर्ण हैं। और छुआछूत की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि शाखा में 1 घंटे में वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम छुआछूत को नहीं मानते हैं, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है छुआछूत की वो टूटती नहीं है। वो स्वयंसेवक वापस जब घर में जाता है तो वो वैसा ही छुआछूत का व्यवहार करता है जो छुआछूत का व्यवहार समाज कर रहा है। तो फिर क्या बदला? उसको बदलने के लिए आरएसएस ने क्या किया? तो कुछ ऐसा किया हुआ नजर आता नहीं है। अब जो दूसरा सवाल है कि इस व्यवस्था को, हिंदुत्व की जो पूरी चीज है उसको मजबूत करने की दिशा में बहुजन समाज के लोग कैसे काम करते हैं, मुझे लगता है कि देखिए, बहुजन समाज के लोगों में जो कई प्रकार की वैचारिक दृढ़ता की भी कमी है, वहां तक चीजें पहुंच नहीं पाती है। इनका जो दुष्प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, वो बहुत पहुंचता है। और जो धार्मिक अंधविश्वास है, जो धार्मिक संस्थान है, वो इनके सबसे बड़े कोरियर्स हैं, उनके जरिए ये चीजों को ले जाते हैं। कभी गणेश को दूध पिला देंगे, कभी कुछ हाथ का छपका लगाएंगे, फिर यात्राएं निकलेगी, तरह तरह के झंडे पकड़ा देंगे, कावड़ में सर्वाधिक हमारे लोगों को पकड़ा देते हैं। और आपने तो ऐसी भी कावड़े देखी होंगी जिसमें एक तरफ अंबेडकर का चित्र लगा हुआ है, दूसरी तरफ कुछ और चित्र लगा हुआ, कावड़ धो रहे हैं हमारे लोग बड़ा गर्व के साथ। अभी कल परसों में एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था कि किसी सज्जन ने लिखा है कि हमारे गांव के लोगों ने मिलकर के 8 लाख रुपए का एक मंदिर बना दिया है, 6 लाख रुपए और चाहिए। तो नीचे किसी एक बहुजन बेचारिकी के एक डॉक्टर साहब ने कि भाई, तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे कितने हैं, सरकारी नौकरी में कितने हैं, कोई लाइब्रेरी वगैरह है कि नहीं है, कोई कोचिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, और ये जो तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे हैं ये झंडा लेके निकलते हैं तो कैसा लगता है इनको? बड़ी निर्लज्जता से उस फेसबुक पर उसका जवाब आया कि हम ये झंडा पकड़ के बहुत गर्व महसूस करते हैं, पढ़ने लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो और उस पूरे गांव में एक बच्चा है जिसने शायद बीएड किया है, बाकी तमाम लोग 10वीं पढ़ करके और छोड़ देते हैं। वो गांव 15 लाख का मंदिर बना रहा है। तो आप सोचिए कि क्या होता है कि आपके बच्चों को जब एक पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो आप नहीं उसको, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और आप मंदिर निर्माण के लिए लाखों रुपए देते हैं, हजारों रुपए देते हैं। तो ये सारा जो धर्म की पूरी एक नशा पिला करके और पूरे अंधविश्वासों में जो डाल रखा है लोगों को, और इसमें जो हमारा पूरा बहुजन समाज सोया हुआ है इस नींद में, ये सबसे बड़ी ताकत हम दे रहे हैं उनको, इनके धार्मिक संस्थानों को, अंधविश्वासों को हम आगे ले जा रहे हैं या हम मान रहे हैं। तो जब तक हम इन धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को और धार्मिक जितने भी ये
कट्टरता और उन्माद फैलाने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले जितने इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने मैकेनिज्म हैं, इनको जब तक हम नकारेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि बहुजन समाज इन्हीं को मजबूत करते जा रहा है। और फिर जब राम मंदिर की बात आती है तो कामेश्वर चौपाल आ जाते हैं, कोई कोई और आ जाता है, विनय, देखिए आप पूरे राम मंदिर आंदोलन को उमा भारती, विनय कटियार और तमाम बहुजनों ने बहुत आगे ले गए, कल्याण सिंह वगैरह ने, आज कहाँ है उनका, क्या हालत हो गया है। तो हम रात दिन इनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कार सेवा में जब लोग गए तो बाकायदा उनको ये तैयार करके भेजा गया कि वहां पर आपके आपके अनुभव भी लोग जानना चाहते हैं, आपके भंवर भाई आपके अनुभव भी लोग जानना चाहते हैं। सारे सवाल है कि आपके क्या अनुभव रहे, आप भी कार सेवक रहे हैं, उसको भी आप जोड़ दीजिए। तो मैं अपने अनुभव को एक आध मिनट में बता देता हूं कि जब मैं 1990 की पहली कार सेवा में जब मैं ले जाया गया तो बाकायदा पूरा प्रशिक्षण हुआ कि हमें कैसे अयोध्या पहुंचना है, हमें पुलिस रोकेगी तो क्या करना है, कैसे रास्ते लेने, कैसे पुलिस को चकमा देना है, और किस तरीके से वहां पहुंच करके हमको बाबरी मस्जिद गिराने के लिए सारा सामान मिलेगा, और हमें हर कोशिश करके जो गुलामी का कलंक का वो जो ढांचा है उसको गिरा देना है। तो उससे पहले बाकायदा रवाना होने से पहले हमारे अपने शहर मांडल में गले में मालाएं डाल करके ढोल बजाते हुए हमारा एक जुलूस निकाला गया और जगह जगह पे पुष्प वर्षा की गई। और उस समय गाने जो गाए जा रहे थे, हम लोग खुद भी गा रहे थे, वो ये थे कि राम जी के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस गाने में क्या है, ये आत्म बलिदान वाला जो मामला है, ये फिदायिनी बनाने का ही काम है। तो पूरे तरीके से ये था कि कैसे भी करके हमको पुलिस से टकराते हुए, चकमा देते हुए पहुंच जाना है और बाद में हमको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। वो ठीक है कि मैं तो पहुंच नहीं पाया, हम जिस ट्रेन से गए हमको तो आगरा के पास टुंडला में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आगरा में 10 दिन जेल में रहने के बाद में मैं वापस लौट आया। लेकिन हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचे वहां पर और वो पुलिस की गोली के भी शिकार हुए। कई लोग ऐसे भी हैं जो जिन पर वो ढांचा गिर पड़ा, वो ढांचे को जब तोड़ रहे थे 92 में, तब उन पर ढांचा गिर पड़ा और वो जीवन भर के लिए उनकी कमर टूट गई। ऐसे लोगों के भी उदाहरण सामने आ रहे हैं और वो अपने घर में पड़े हुए हैं पिछले 20-25-30 सालों से, उनका जीवन खत्म हो गया उस सारी चीज से। तो आप सोचिए कि जब तक किसी को इस लेवल तक फिदायिनी न बनाया जाए तब तक कोई क्यों किसी ढांचे को तोड़ेगा, क्यों किसी जिसको हम विधर्मी मलेच्छ मान रहे हैं उस अल्पसंख्यक को देश के घृणा करेगा। तो ये पूरा ब्रेन वॉश करने का जो काम है ये धीरे 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 चलता रहता है। और उसका तरीका ये है कि दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी है, ये बात करनी है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम दुनिया का सबसे अच्छा समाज है, हम शुद्ध आर्य रक्त हैं। जब हम शुद्ध हैं तो कोई ना कोई अशुद्ध होगा, हम जब सर्वोत्कृष्ट हैं तो फिर कोई ना कोई तो निकृष्ट होगा। हम शाकाहार करते हैं और हमारा भोजन उत्तम है तो इसका मतलब किसी न किसी का भोजन जो है वो घटिया है, वो साकार नहीं करते हैं तो उनके उत्तम विचार नहीं हो सकते हैं। तो ये तरीका है कि कैसे दिमाग को वैसा, ब्रेन को वाश कर लिया जाए, धो लिया जाए और फिर उसको अपने उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाए। तो ये है आरएसएस का, ये जो कार सेवक बनाए गए या स्वयंसेवक जो बनाए जाते हैं ये सभी ब्रेन वाश्ड लोग हैं और बिल्कुल आत्म बलिदानी। और वैसी कहानियां, वैसी घटनाएं, वैसे किस्से, वैसे दृष्टांत दिए जाते हैं कि कैसे आप आत्मबलिदानी बन सकते हैं, कैसे आप बलिदानी बन सकते हैं। बलिदान को बहुत मान्यता है, हिंसा को बहुत मान्यता है, अहिंसा तो वहां कायरता है, वहां बुद्ध की, महावीर की, सम्राट अशोक की, गांधी की जो अहिंसा है वो तो डरपोकपन है। तो वहां तो हिंसा, शस्त्र पूजन, वही तो सारी चीजें हैं। तो वो सारा जो चीजें हैं वो फिदायिनी तौर तरीके ही हैं। तो ये तो आपकी पहली बात थी। दूसरा, ये जो आरएसएस बीजेपी का राष्ट्रवाद है जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ये सीधे सीधे ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद है,
इसका कोई सांस्कृतिक वांस्कृतिक से कोई लेना देना नहीं है। और कौन सी संस्कृति है, क्या संस्कृति, क्या सभ्यता है ये जो आपने जिस जिस सदियों तक हमको दबाया वो संस्कृति, और उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाएंगे आप, तो वो तो हमारे लिए नुकसानदायक राष्ट्रवाद है। तो ये पूरी हेजेमनी स्थापित कर, जो ब्रह्मनिकल हेजेमनी है उसको स्थापित करने का ही काम है, उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अम्मा चढ़ा करके, उसको राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद का एक चोला पहना करके वो लोगों के बीच में ले जा रहे हैं और लोग उससे भ्रमित होते जा रहे हैं। तो हमें कहना चाहिए कि आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो ब्राह्मण राष्ट्रवाद है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का राष्ट्रवाद है, और वो पूरी तरीके से मनुवादी ब्राह्मणवाद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदवा सोदरा सर्वय, हिंदू न पतितो भवेत, ये सब बातें बकवास बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। सिद्धांत में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती है, सारे हिंदू एक ही उधर से निकले हुए हैं, कोई पतित नहीं है, अस्पृश्यता अगर अपराध है तो सबको ही अपराध है, ये सब बातें हैं। अगर ये आपका इतना बड़ा संगठन बन गया, विश्व का, आप कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है आज आप, उसके बावजूद अगर भारत में छुआछूत नहीं मिट रहा है, हर क्षण आपको जातिगत भेदभाव अन्याय और उत्पीड़न की कोई न कोई घटना देखने को मिल रही है, कोई फूल को छू ले रही है बच्चियां, उसके लिए गांव के गांव बाहर निकाले जा रहे हैं, कोई पानी पी ले रहा है, कोई हैंडपंप छू ले रहा है, उसके लिए जलती हुई चिताओं को रोक पानी डाल करके वहां से चिताएं से सब हटाए जा रहे हैं, दफन की हुई घुमंतुओं की जो डेड बॉडीज हैं जेसीबी मशीन ला करके उसको खोद करके और बाहर निकाला जा रहा है, मरे हुए शवों की गरिमा के साथ इतना बड़ा एक अन्याय किया जा रहा है, जो लोग घोड़ी पर बैठ रहे हैं उन दुल्हन और दुल्हनों के साथ किस तरह का अन्याय और अत्याचार हो रहा है, दलितों आदिवासियों पर जो अत्याचार है हर हर तरीके से, समाज से लगा करके राजसत्ता तक के, वो कोई कम है क्या? रोज हम सुन रहे हैं हमारी जो महिलाएं हैं बहन बेटियां हैं उनके साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, यौनिक दुर्व्यवहार हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, और सीधे सीधे तौर पर रेप गैंग रेप की घटनाएं हो रही है, उसमें अलग से कुछ कहने की जरूरत है क्या? वो सब आप मिटा नहीं पाए हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, तो भाई भाई हैं तो लाइए थोड़ी फैक्ट्रियां हमको दे दीजिए, थोड़ी जमीनें बांट दीजिए, थोड़े बंगलों में जो आप बैठे हैं ये थोड़ा वितरण कर लीजिए, धन धरती थोड़ा बांटिए ना, इन सारी चीजों को वो नहीं बांटेंगे, केवल भाई है। किस चीज के लिए भाई है? मुसलमान से लड़ने के लिए, क्रिश्चियन से लड़ने के लिए, उन लोगों से लड़ने के लिए भाई है। और फिर जब वो नहीं है सामने, तब दलितों को कहा जाएगा कि आदिवासियों से लड़ो, आदिवासियों को कहा जाएगा कि दलितों से लड़ो, दलित आदिवासी को कहा जाएगा कि पिछड़ों से लड़ो, और फिर जब कोई और नहीं होगा तो आदिवासियों से कहा जाएगा कि तुम इधर के मीना हो उधर के मीना हो, तुम ऊंचे वाले मेघवाल हो तुम नीचे वाले मेघवाल हो, मतलब लड़ाते रहिए लड़ाते रहिए लड़ाते रहिए। इनका भाई भाई का जो पूरा नारा है इसमें कोई दम नहीं है, फर्जी ढोंग पाखंड। इसमें भी मैं ये जोड़ दूं, ये जो दिमाग है, दिमाग भरने का काम वाली बात कही है किसी ने, तो उन्होंने आज राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से फैलाना शुरू किया है कि केवल हिंदू ही राष्ट्र होगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जोर आप दोनों भी दे सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो प्रचारक पद्धति के संगठन जो भी हैं उसमें विचार के प्रति स्थूलता एक बड़ा काम होता है। तो ये जो आरएसएस में, तो वैसे भी मुझे तो व्यक्तिगत रूप से भी कहा गया कि भाई हमें तो प्रचारक चाहिए, हमें विचारक नहीं चाहिए, तो वहाँ कोई भी नया विचार आप दे नहीं सकते, वहाँ जो नागपुर में तय होकर के आएगा उसी चीज को आपके नीचे तक ले जाना है। तो ये जो ज्ञान के साथ जो एक तरीके का उनका जो स्थूलता का भाव है, ये कोई नया चीज नहीं है। जहाँ जहाँ वो ये कहते हैं कि भाई कोई संशय करो मत, आप कोई डाउट मत कीजिए, संशयात्मा विनस्ति जैसे उदाहरण दिए जाते हैं कि जो संशय करेगा वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। संकालु वहां बनाया नहीं जाता, आपको श्रद्धालु बनाया जाता है। परम पूज्य भाई साहब से तो आपको बात शुरू करनी पड़ती है, जब वो पहले ही परम पूज्य है तो फिर आप क्या सवाल कीजिए उससे, क्योंकि आपको तो मान लेना है, सर नीचे रखना है, हाथ को बांधे रखना है, और ये मान लेना है कि परम पूज्य सर संचालक हो चाहे परम पूज्य प्रचारक जी हो, वो तो गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो परम पूज्य है। अब ये परम पूज्य को आप एक साथ करेंगे तो पप्पू बनता है, तो
तो वो पूरे देश को पप्पू बना रखे हैं उन्होंने और किसी को सोच में आगे ले जाना नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो ज्ञान को रोकने का जो काम उन्होंने सदियों से किया, ये जो नॉलेज के डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस नहीं था पहले, कुछ ही लोगों तक ज्ञान सीमित था, मुझे लगता है कि उसको नए तरीके से, नई पैकिंग में अब यहाँ अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। तो अब क्या है कि ज्ञान तो दिया जा रहा है लेकिन गोबर भरा जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में तो भरेंगे, क्यों खाली तो नहीं रखेंगे, तो क्या भरेंगे कि गौमूत्र में आप सोने के कण ढूंढिए, उसमें 17-20 प्रकार की जो चीजें हैं वो ढूंढिए कि क्या क्या हो सकता है, उससे कैंसर का इलाज हो सकता है, उससे सोना निकल सकता है, उससे आपकी खेती बढ़िया हो सकती है, अब आप इसमें शोध में जुट जाइए। तो आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो वो अज्ञान से भी बदतर होगा। तो जो प्रगतिशील मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो आपको उदात बनाते हैं, जो आप में एक उदारता भरते हैं, उन सबको नष्ट करके ऐसा ज्ञान जो अज्ञान से भी खराब होगा वो देने का जो काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वैसे ही हिंदी पट्टी तो गोबर पट्टी ही रही है, उसको काउ बेल्ट और पता नहीं क्या कहा जाता रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि रविदास और कबीर के बाद कोई बड़ा चीज हुई नहीं। हमको तो बार बार झांकना पड़ता है, लता जी आपके उधर फूले को देखें तो उधर से देखना पड़ता है, सावित्रीबाई को उधर, बाबा साहब उधर दिखते हैं, नारायणा गुरु उधर दिखते हैं, पेरियार उधर दिखते हैं, तो सारा ही तो हमको उधर से लेना पड़ता है। हमारे यहाँ तो बस वो कुछ है सितारे जो रहे, बाकी तो खत्म हो गई सारी चीजें। तो फिर से गोबर भरा जा रहा है क्योंकि लोग सोचने लगे हैं, लोग पढ़ने लगे हैं, लोग बोलने लगे हैं, लोग लिखने लगे हैं। तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया है इसको रोकने का जो काम किया जा रहा है, खतरनाक काम है, इसको समझाना पड़ेगा लोगों को। और मुझे लगता है कि देखिए हमारे भीतर में भी ऐसी प्रवृत्तियां उभर रही है, हमारे भीतर में भी ऐसी प्रचारक पद्धति के लोग हैं जो लोगों के सोचने समझने को बाधित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मुखिया है वो कह दिया वही बस है, तुम कोई सवाल उठाओगे तुम गद्दार हो, भड़वे हो, तलवे चाटने वाले हो, सवर्णों के दलाल हो, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं तो उनको बोलते हुए भी शर्म आती है। ऐसी बेचारगी हमारे यहाँ भी आ रही है, वो लगभग RSS के तरीके के ही लोग बना रहे हैं। और मुझे लगता है, देखिए मैं कई बार की कहता हूं और अभी कहना चाहता हूं फिर से, कि कट्टर अंबेडकरवादी नहीं, हमें प्रखर अंबेडकरवादियों की जरूरत है। कट्टरता किसी भी समाज के लिए खतरनाक है, वो दिमाग को रोक देगी और हमारा नुकसान करेगी। अगर हम हिंसा की चीजों को हमारे समाज में भी फैलाएंगे तो एक दिन ये बंदूकें, एक दिन ये तलवारें और लाठियां हमारे अपने आप को भी मारकाट मचा देगी। तो मुझे तो लगता है कि हमको समता, बंधुत्व, न्याय और जो भाईचारे का, समानता का जो समाज जिसकी कल्पना संविधान में की गई, उसके प्रियम्बल में लिखी गई, वही समाज चाहिए, उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और जहां तक ये जो हिंदू राष्ट्र है, क्यों हिंदू राष्ट्र, जब हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा साहब ने भी कहा कि हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हमारा जो सेकुलर स्टेट है वो सबसे बेहतरीन चीज है, क्यों हम उसको थियोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे, क्यों धार्मिक राष्ट्र राज्य में इसको हमको बनाना है? क्योंकि धार्मिक राष्ट्र राज्य में फिर आप क्या रंग देंगे, क्या चीजें देंगे? जैसा आपने अभी कहा भी कि वो एक रंग में सबको रंगने की कोशिश कर रहे हैं, वो कल कहेंगे कि खिचड़ी राष्ट्रीय खाना है और खिचड़ी में भी फिर क्या चीज डालनी है, आप अगर सोयाबीन डालेंगे तो वो नहीं स्वीकार करेंगे, वो कहेंगे कि उसमें आलू डालो, आलू नहीं डालने देंगे, टमाटर मत डालो, तो क्या कैसा बनाएंगे? तो क्यों देश जैसा है वैसा क्यों नहीं होना चाहिए, सबका देश क्यों नहीं होना चाहिए? बिरयानी खाने वाले का भी देश होना चाहिए, इडली डोसा वाले का और पूरनपोली वाले का भी देश होना चाहिए, और जो हमारा दार्जिलिंग का और पहाड़ का व्यक्ति अगर थुपका पीना चाहे और अगर खाना चाहे कोई भी पहाड़ी डिश, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई शाकाहार करे, कोई मांसाहार करे, कोई फलाहार करे, यही खूबी है हमारी सबकी। तो हमें तो देखिए बहुत प्रगतिशील और बहुत खुले दिमाग वाला देश चाहिए और ऐसे ही हमारे लोग चाहिए। आप कोई संक्षिप्त में टिप्पणी देंगे क्या? दोनों भी, आप दोनों भी बताएं। हाँ, भंवर जी भी भंवर जी पहले आप बताइए फिर मीना जी बात करें। आपने जो सबसे पहले तो आपको इतने साल बाद देख रहे हैं, आपके काम के बारे में सुनते रहते हैं निरंतर, पर मुलाकातें जो पहले हुई फिर नहीं हो पाई, तो अच्छा लगा आपको सुन करके, फिर से आपको यहाँ देख करके।
आपने जो सवाल उठाया ये बहुत जायज सवाल है। मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी फेलियर है ये कि हम इवन देखिए, दलित आंदोलन ने, दलित वैचारिकी ने एक मॉडल दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो कंटेम्प्रेरी दलित मूवमेंट है वहां भी महिलाओं का सहभाग कितना नजर आता है आपको, वो बहुत कम होता जा रहा है और ये गंभीर बात है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि मर्दाना छवियां बन रही है आंदोलन की। आंदोलन में क्या चीजें अब हम अप्रिसिएट कर रहे हैं, हम मूछे अप्रिसिएट कर रहे हैं, हम भुजबल को अप्रिसिएट कर रहे हैं, हम एक मसीहा को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और एकल जो लीडरशिप है, इंडिविजुअल लीडरशिप, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें कलेक्टिव वाला जो भाव है वो कमजोर होता जा रहा है। तो ये इसकी वजह ये है कि हम अगर फेमिनिज्म से सीख पाते या दलित महिला आंदोलन से सीख पाते कि कैसा एक सामूहिकता का अपना एक प्रभाव है, एक शक्ति है, और किस तरीके से हमें जेंडर के सवाल को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ग्रेट फेलियर है हमारी, और उसको हम कैसे डील करेंगे उसको हमें अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि पूरा ओबीसी का जो मूवमेंट है वो ओबीसी कागजों में तो एक वर्ग है, लेकिन जब आप सोसाइटी में जाते हैं तो वो वर्ग नहीं है, उसमें वर्ग चेतना का अभाव है। दलितों आदिवासियों में कम से कम इतना हो गया कि भले ही वो एक पुरुष सत्ता वाले आंदोलनों के रूप में ज्यादा दिख रहे हैं, बावजूद उसके भी उनमें एक वर्गीय चेतना आ गई। यहाँ वर्ग की चेतना का भी इतना अभाव है कि वो या तो अपनी ओबीसी वाली जाति पे गर्व करेंगे या फिर उससे निकलेंगे तो वो सीधा हिंदुत्व पे गर्व करेंगे, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे चले जाएंगे, उसके झंडे को पकड़ लेंगे। तो देखिए, हमारा राजस्थान में तो ऐसा अनुभव है, वो पूरे देश का भी हो सकता है अनुभव, कि ज्यादातर आज की तारीख में जो पूरी सांप्रदायिकता की, ये जो दक्षिण पंथ की लाश है मरी हुई बदबूदार, इसको, इस ब्राह्मणवाद की लाश को अगर किन्हीं के कंधों पर ढोया जा रहा है तो वो हमारे ओबीसी के विभिन्न समाजों के जरिए। कुछ कुछ तो ऐसी जातियां हैं जो अपने आप को उन्होंने हिंदुत्व के ढांचे में ऐसा ढाल लिया है, आरएसएस में इतना ढाल लिया है, बीजेपी में वो अपने आप को इतना ढाल चुके हैं कि उनकी अपनी पहचान खत्म कर दी उन्होंने, वो इस बड़ी पहचान में विलीन हो गए हैं, मर्ज हो गया उनका पूरा सारी चीजें। तो अब वहां जब जाएंगे तो पितृसत्ता भी है, तमाम सारी चीजें भी हैं, और वो आपने सही कहा, देखिए वहां तो राधा गायब हो गई है, कृष्ण ही है, और सिया गायब हो गई है, राम ही है। वहां अब महादेव भी गौरी शंकर नहीं है, वो केवल महादेव हैं। तो स्त्रियों का एक बहिष्करण ठीक से उन्होंने कर लिया है, और ये प्रवृत्ति हमारे आंदोलनों में भी आ रही है। मैं जब मंचों पर लोगों को गाली देते हुए देखता हूँ, अपने मंचों पर माँ बहन की, तो मुझे मुझे शर्मिंदगी होती है उस चीज के लिए। सोशल मीडिया में जब हमारे युवाओं को मैं गाली देते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या सीखा हमने फुले, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर और रमाबाई, तमाम लोगों से हमने क्या सीखा? हमने कुछ सीखा ही नहीं, हम वहीं चले गए, हम उसी गटर में चले गए वापस जो हमको मनुवाद ने दिया है। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं है हमारे पास, हमारी चिंता आपकी चिंता में शामिल है कि कैसे हम इस बहुजन मूवमेंट को एक नारीवादी दृष्टिकोण से, और वो भी हमारी जो बहुजन नायिकाएं हैं उस दृष्टिकोण से हम कैसे रीशेप कर सकते हैं, उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। जो देखिए, जो जिस ताकत से हम लड़ रहे हैं वो एक एक ऐसी ताकत है जो सैन्यकरण के पक्षधर ताकत है, समाज की रेजिमेंटेशन की पक्षधर ताकत है, और आरएसएस जैसे संगठन अर्धसैनिक बलों के रूप में काम करते हैं, वहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है, जो चीजें हम कह रहे हैं उन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। तो निश्चित रूप से वो ऐसे जो जो सैन्य कृत लोग होंगे या उस ढांचे के जो संगठन होंगे वो अनुशासित भी नजर आएंगे, वो एकजुट भी नजर आएंगे, और उनके अंदर मतभेद भी होंगे लेकिन वो दब जाएंगे, और वो उनका जो एजेंडा है वो एक एजेंडा कहीं कहीं से लागू किया जाता रहेगा, वो चलता रहेगा। अब उसके बरक्स जो लोग खड़े हैं जिनको लड़ना है,
चूंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से आते हैं, खुद लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं, वैचारिक की असहमति में भरोसा करते हैं, तो उनमें विभिन्न वाद भी होंगे, उनमें वैचारिक असहमतियां भी होगी, अलग अलग विचार भी होंगे। तो पहली बात तो यह है कि देखिए, तमाम वाद एक साथ मिल नहीं जाएंगे, ये विलीन नहीं हो सकते, ये रहेंगे अपने अपने स्थितियों में, लेकिन हमें न्यूनतम साझा मिलन बिंदु ढूंढने होंगे। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर हम उत्पीड़ितों की एकता बनाएं तो वो ज्यादा कारगर होगी, बजाय कि हम अलग अलग विचारधाराओं को इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये गांधीवादी के लिए मुश्किल होगा, वो अंबेडकरवादी को स्वीकार कर ले, और एक अंबेडकरवादी गांधीवाद को स्वीकार करेगा, उससे पहले उसमें कई सारे सवाल हैं, तो कई प्रकार की चीजें हैं, कोई मूल निवासवाद को लेकर के अपना एक झंडा उठाए हुए हैं, तो कोई समाजवाद की बात कर रहा है, तो कोई संविधान को ही संविधानवादी बना हुआ है, तो कोई कह रहा है कि संविधान ने कुछ नहीं दिया हमको, हम संविधान से इतर भी चीजें करेंगे, तो कई प्रकार की चीजें हैं। और मेरा ये मानना है कि इसको हमें लोकतंत्र की खूबसूरती के रूप में लेना चाहिए, इसको हमारी कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिससे हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उस लोकतंत्र में ये सब चीजें होंगी। तमाम देश दुनिया में जो लोग हैं वो लोकतंत्र हैं, वहां ये सब चीजें हैं, ये प्रक्रियाएं चलती है। बात ये है कि आज हमारा जो शत्रु है वो कौन है, आज हम किन से लड़ रहे हैं। अगर हमारा हमने दोस्त और दुश्मन की शिनाख्त कर दी और हमने ऐसा एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जहां हम अपनी असहमतियों और अपनी पहचानों के साथ, अपने संगठन संस्थागत तरीकों के की पहचानों के साथ जाकर के साथ चल सकें, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि कई बार हमको स्वीकार नहीं कर पाते हम, लेकिन अस्मिता की राजनीति ने ये खतरा पैदा किया कि उपजातीय अस्मिताएं आज लड़ रही है, और अब उसका कोई निदान नहीं है। आप दलितों में भी जो अलग अलग जातियां हैं, और उन जातियों में भी उपजातियां, और अब तो गोत्रों तक चला गया है मामला। अब लोग अपनी सब कास्ट पे गर्व नहीं कर रहे हैं, गोत्र पे गर्व कर रहे हैं, और उनको वो सारे लोग एक हो रहे हैं। मैं आपको राजस्थान का उदाहरण बताऊं कि यहाँ पर पिछली सरकार ने एक वंशावली लेखन का एक पूरा प्रोजेक्ट चलाया, एक कैबिनेट स्तर का एक मंत्री बिठाया, और फिर उसका असर ये हुआ कि मान लिया भाटी एक गोत्र है, तो भाटी गोत्र के मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, राजपूत हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, सब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह पे इकट्ठा हुए, 300-400 लोग, और उन्होंने कहा भाटी भाटी एक है, बाकी सब फेक है। तो अब ये कहां ले गए हम, मतलब उसको और नहीं नीचे ले गए, जाति से उपजाति, उपजाति से गोत्र पे ले गए। तो मेरा ये मानना है कि अस्मितादर्शी राजनीति ने अपना समय पूरा किया, आज हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिंदा बचेंगे तो हमारी विचारधारा बचेगी, हमारी अस्मिताएं बचेगी, नहीं तो कुछ ही नहीं बचेगा। आज जिंदा रहने की लड़ाई है, संविधान को जिंदा रखने की लड़ाई है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई है। हमको थोड़े बहुत मतभेदों को इग्नोर करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये समय है सबको साथ आकर के, जितने भी उत्पीड़ित तबके हैं उनको साथ लेकर के हम हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो साथ आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।